Hello students, how are you? Welcome to Unacademy. 9th class का chapter discuss कर रहे हैं हम working of institution, ठीक है? ये हमारी foundation की team है, ठीक है? राहुल सर हैं, मैं हूँ, प्रशांत सर हैं, उसी में मैं अजय सर हैं, हिमांशु नाथ सर हैं, ठीक है? बेहतरीन foundation की team और सारी कोटा बेस्ड टीम है, ठीक है? सारे जितने भी फैकल्टीज हैं सारे कोटा के फैकल्टीज हैं, तो इसलिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इनसे पढ़ने का, क्योंकि आपको पता ही है कोटा एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिटी है. आईआईटी एनटीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमारा कोटा से ही मिलता है, ठीक है? तो सारे फैकल्टीज़ कोटा बेस्ड हैं, तो इसलिए बहुत बेनिफिट है अगर आप इन सारे फैकल्टीज से पढ़ते हो. तो आपको पढ़ने के लिए करना क्या है, आपको यूट्यूब के लेक्चर्स और अनअकैडमी के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है? ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. मेरा नाम है कुमार संस्कार, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है एसआरएम यूनिवर्सिटी से. मैंने बहुत सारे एनटीएससी स्कॉलर्स को मेंटोर भी किया है और ये मेरी डेली टाइमिंग्स हैं 1:30 to 1:30 PM आफ्टरनून में और 9 PM इवनिंग में, ठीक है? तो देखो करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है. अब सब्सक्रिप्शन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है लाइव क्लास, ठीक है? किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े स्केल पर आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलते, ठीक है? यहाँ इतने सारे एजुकेटर्स हैं कि आप पूरे दिन में 24 घंटे या डे होता है, बट क्लासेस 72 hours, 100 hours चलती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इतने सारे एजुकेटर्स हैं, वो हर टाइम पढ़ा रहे हैं, तो आपको जिससे पढ़ने की मर्जी है आप उससे पढ़ सकते हो. ये आपको ऐसा बेनिफिट मिलता है अनअकैडमी पे जो और कहीं नहीं मिलता, ठीक है? आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो, लाइव पोल्स के थ्रू आंसर कर सकते हो, अपना रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस देख सकते हो, आपने कितने देर पढ़ाई की है, कितने देर नहीं की है, ठीक है? डायरेक्टली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, तो वो सारे बेनिफिट आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं. तो मेरा ये सजेशन है कि जल्दी से जल्दी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो, ठीक है? सब्सक्राइब करने के लिए ये पैकेजेस हैं जिन्हें सब्सक्राइब करना होता है. दे रेंज फ्रॉम 1 month to 24 months, ठीक है? अगर 12 या 24 मंथ का आप पैकेज लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 6 months और 1 year का की पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है? तो इसीलिए 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना हमेशा. प्राइसेज में बहुत कम डिफरेंस होता है 12 और 24 मंथ में. देखो 12 मंथ का ये 17,500 का है और 24 मंथ का जब आप लेते हो तो सिर्फ 1 year सब्सक्रिप्शन प्लस 1 month सब्सक्रिप्शन, मतलब 17,500 प्लस 3,500 इज़ इक्वल टू 21,000. तो एक महीने का एक्स्ट्रा चार्ज देके आप पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है? तो ये प्रोमो कोड है हमारा KSSIR लाइव, ठीक है? याद रखना इस प्रोमो कोड को, KSSIR लाइव. जैसे ही इस प्रोमो कोड को एंटर करोगे तो यू विल गेट 10% मोर डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन पैकेजेस, ठीक है? तो सोचो यार, इतना तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, उसके बाद अगर ये KSSIR लाइव एंटर करते हो तो ये 24 मंथ का कोर्स है, ये अप्रॉक्सिमेटली 1 year के प्राइस में आपको मिल जाता है, ठीक है? तो जल्दी से अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो और फिर वहां हम साथ में पढ़ेंगे. तो यार हमने अभी तक हम जो चैप्टर देख रहे थे वो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन था. इसमें मैंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखी थी. सेकेंड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो थे उनको रिजर्वेशन देने की बात हुई थी. जनता दल की गवर्नमेंट आई थी 1989 में, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था और फिर फाइनली 13th अप्रैल 1990 में एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ और उसके तहत इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है? फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया कि यार ये गलत है, नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? बहुत डिबेट हुए इसके ऊपर, डिस्कशन हुए, प्रोटेस्ट हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उनको क्यों रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे जनरल कास्ट की जो सीट्स हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक? उसके बाद लोगों ने इसके अगेंस्ट केस किया. इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग जगहों पर कोर्ट में इसके लिए केस किए गए, ठीक? केस का नाम रखा गया इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. मतलब जिसने सबसे पहले केस किया था उसका नाम था इंदिरा साहनी और उस केस अलावा जितने लोगों ने केस किया था सबको सुप्रीम कोर्ट ने बंच अप कर दिया, एक पाइल बना दिया और उस पाइल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस चला, ठीक है? 11 जजेस का ये बेंच था और मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लेना था. तो 1992 में ये डिसीजन लिया गया कि जो ऑफिस मेमोरेंडम आया है वो बिल्कुल सही है, बट इसमें थोड़े चेंजेस की जरूरत है. तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पेंशन और पब्लिक ग्रीवांसेस, इसके जो मिनिस्टर थे और जो सेक्रेटरी थे उसने उसको मॉडिफाई किया और 8 सितंबर 1993 को ये फिर से इशू या इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है? तो आपको पता ही है 3 रिजर्वेशन क्राइटेरिया है हमारे इंडिया में SC ST और OBC के लिए. अब व्हाट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं ये भी हमने देखा था.
ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीनों के काम हमने देखे थे, पार्लियामेंट के डिफरेंट हाउसेस हमने देखे थे। ठीक, अब हम देखते हैं दो टाइप का जो पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं द हाउस ऑफ पीपल विच इज लोकसभा। ठीक है, इसे हम लोअर हाउस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, तो लोकसभा के मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, और इनके हाथ में होती है रियल पावर, मतलब लोकसभा के जो लोग हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और रियल पावर इनके हाथ में होती है क्योंकि सारे लॉज यही फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, लोकसभा में ही लॉज बनते हैं इसलिए हम उसे हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। ठीक, और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में, तो यार देखो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 552, जिसमें से 530 इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट से, 20 इलेक्ट किए जाते हैं यूनियन टेरिटरी से, और बचे 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जिसे हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट या अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 552, 530 प्लस 20 प्लस 2, बट अभी करेंटली इंडिया में जो सिचुएशन है उसमें लोकसभा में 545 सीट्स है। ठीक है, मतलब 543 प्लस 2। ठीक, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 542 हमने मैक्सिमम रखा है कि अगर कभी हमें कंस्टिट्यूएंसी बढ़ानी हो, ठीक है, 543 जगह पे इलेक्शन होते हैं अभी इंडिया में, हम इलेक्शन ज़्यादा जगहों पे करना हो तो हम उसे 550 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। अब काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, जितने भी राज्य हैं उनका काउंसिल। ठीक, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक, इस हाउस का मेन काम क्या है, इस हाउस का मेन काम है कि जो कॉमन लेवल पे लोगों के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जैसे बिहार में क्या इंटरेस्ट है, यूपी में क्या इंटरेस्ट है, राजस्थान में क्या इंटरेस्ट है, तो स्टेट लेवल पे लोगों के इंटरेस्ट को देखना। ठीक, वो क्या चाहते हैं, क्या पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, क्या उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कैसे उसको सही किया जाए, इन सब को सही करने का काम हमारे राज्यसभा का होता है। अब राज्यसभा के मेंबर्स बोला आपको 250 होते हैं टोटल, इसमें 238 होते हैं इलेक्टेड जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 12 होते हैं नॉमिनेटेड। ठीक है, इतना क्लियर है। ये जो 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं बट वो किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ उनको नॉमिनेट करते हैं जिन्होंने लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, स्पोर्ट में इंडिया का नाम रोशन किया है। ठीक है, अपनी सर्विसेज देके इंडिया को एक बहुत अच्छे स्टेज तक पहुंचाया है, तो उसे हम उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जैसे एग्जांपल हमारा सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, वो भी राज्यसभा का एक मेंबर है। ठीक है, अब राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है बट लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। ठीक है, लोकसभा कभी भी डिजॉल्व हो सकती है, उसका टेन्योर 5 साल का होता है, राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का होता है और हर एक साल पे, सॉरी हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 250 में से 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई वैसा नहीं होता। अब ये हाउस तो परमानेंट है ना, हाउस तो डिसॉल्व नहीं हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, इलेक्शन खत्म हुए, किसी की सरकार बनी, फिर अगले साल सरकार बदलेगी तो नया पूरा 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 का पूरा कंस्टिट्यूएंसी ही नया होगा, वैसा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, मेंबर्स चेंज हो जा रहे हैं इसलिए उसको हम बोलते हैं टेम्पररी हाउस, बट राज्यसभा को हम बोलते हैं परमानेंट हाउस क्योंकि इसमें मेंबर्स जो रहते हैं वो चेंज होते हैं बट हाउस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, और अभी 245 मेंबर्स हैं जिसमें कुछ स्टेट के मेंबर्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स हैं। क्लियर है, ये डिस्टिंग्विश है, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। एक जो सुप्रीम पावर लोकसभा के पास है एज कंपेयर टू राज्यसभा वो है मनी बिल के बारे में। ठीक है, बिल होते हैं 2 टाइप के, मनी बिल वैसे तो 4 टाइप के होते हैं बट आपको 2 टाइप ही पढ़ना है, 2 टाइप के मनी बिल होते हैं, सॉरी 2 टाइप के बिल होते हैं, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। ठीक, ऑर्डिनरी बिल जो होगा, जैसे अभी हमने SEBC वाला बिल देखा था, वो मनी बिल नहीं है वो ऑर्डिनरी बिल है, तो ऑर्डिनरी बिल जो होगा वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है और किसी भी हाउस के थ्रू पहली बार पास हो सकता है। ठीक है, बट
जो मनी बिल होगा, मतलब पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल होता है, फाइनेंस तो अलग हो गया, मनी से रिलेटेड जो बिल होता है जिसमें इंडिया की ट्रेजरी से पैसे लेके कुछ इंप्लीमेंट करना हो, जैसे मान लो आपको यूएस से फाइटर प्लेन्स खरीदना हो, ठीक है, तो ये एक मनी रिलेटेड मैटर है। तो इस पे सिर्फ और सिर्फ इस बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और अगर लोकसभा ने इसको पास कर दिया तो राज्यसभा को इसको पास करना ही होगा। तो इसीलिए लोकसभा को हम बोलते हैं एक सुप्रीम अथॉरिटी एज कम्पेयर टू राज्यसभा। सर एसएसटी में, सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव आएगा एक क्वेश्चन में, शमशूर अकबर के लैंग्वेज का पूछा था, मतलब शमशूर अकबर का लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, उर्दू लैंग्वेज में पोएम लिखता था वो, कोई बात नहीं, 74-75 काफ़ी है, ज़्यादा ही आ जाएगा, एक दो नंबर। अब हमारे आते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, फर्स्ट आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड द सेकेंड आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। वट इज़ लोकसभा, अभी तो बताया, लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ पीपल, जहाँ जितने भी इलेक्शन होते हैं इंडिया में, ठीक है, जैसे अभी पीएम को चूज़ करने का इलेक्शन था, तो उसमें जितने भी लोग इलेक्ट होते हैं वो सारे लोग जाके लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, और लोकसभा में लॉज बनते हैं, ठीक। एग्जीक्यूटिव्स दो टाइप के होते हैं जिनका काम लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है, ये होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स और दूसरे होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। उर्दू है, पर्शियन नहीं है, उर्दू ही होगा उसका आंसर। शमशूल अकबर पर्शियन पोएट नहीं था, वो एक उर्दू पोएट था। हाँ भाई, शमशूल अकबर ही बोल रहा हूँ मैं। तो यार एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब ये दोनों क्या होते हैं, तो यार पॉलिटिकल का मतलब आपको पता है कि ये पॉलिटिक्स से आ रहा है, तो पॉलिटिक्स से आ रहा होगा इसका मतलब इसमें कौन होंगे, लीडर्स होंगे, ठीक, और लीडर्स का मतलब होता है कि वो मिनिस्टर्स होंगे, तो जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने जो एसईबीसी का, वेयर देयर इज नो एग्जाम फॉर सेलेक्टिंग पॉलिटिशियंस, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया है ना कि पॉलिटिशियंस को हम एग्जाम से चूज करें, ठीक है। हाँ, पिक्चर या कार्टून बेस आया ही नहीं, मैंने कराया भी नहीं था वो, तो ठीक है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ भी रूल फॉर्मुलेट नहीं किया है कि इलेक्शन में कौन खड़ा होगा और कौन नहीं खड़ा होगा, इसीलिए एग्जाम नहीं होते, ठीक है। अच्छे, चलो, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वैसे लोग, सॉरी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वैसे लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, ठीक। जैसे अभी हमने एसईबीसी का जो केस देखा था, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस का जो मिनिस्टर था, उस मिनिस्टर को हम बोलेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्योंकि वो लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है जो कि लोकसभा ने बनाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई होप आपको क्लियर है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और ये हर 5 साल पे चेंज हो सकते हैं, जब इलेक्शन होगा हो सकता है वो चेंज हो जाए और कोई दूसरा आ जाए, ठीक। दूसरा हमारा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या हैं, जैसे हमने देखा था एसईबीसी वाले केस में कि इस मिनिस्टर का एक सेक्रेटरी था, ठीक है, वो होगा कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर, मतलब वो होगा एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सिग्नेचर तो उसने भी किया था उस बिल पे, तो डिफरेंस क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो, अब जो ये जो सेक्रेटरी है ये हमेशा के लिए सेक्रेटरी है, हाँ कंप्यूटर का एग्जाम तो कैंसिल हो गया, 62 इयर्स तक, ठीक है, ये 62 इयर्स तक सेक्रेटरी रहेगा, ये फिक्स्ड है क्योंकि इसने एग्जाम दिया है और ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई मिनिस्टर है एक्स, इसका ये सेक्रेटरी है, बट अगर अगले 5 साल में कोई मिनिस्टर दूसरा आ गया वाई, एक्स हट गया, एक्स सेलेक्ट नहीं हो पाया, तब भी सेक्रेटरी वही रहेगा, ठीक है। हेलो अंजना, हाँ एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया,
ठीक है, तो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस समझ में आया। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, और वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अगले 5 साल में हो सकता है वो हट भी जाएं। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी नहीं है, दे आर परमानेंट, ठीक है, जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक वो नहीं हटेंगे। हाँ, नॉट इलेक्टेड बाई कॉमन पीपल इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। अब देखो, एग्जीक्यूशन करने का मतलब क्या है कि यार, अब तुम खुद ही सोचो, इन दोनों में इंटेलिजेंट कौन कौन होगा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा? डू यू लाइक मैथ्स? हाँ यार, थोड़ा बहुत। परमानेंट और पॉलिटिकल में कौन ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, किसके पास ज्यादा दिमाग होगा? परमानेंट, वेरी गुड, ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा दिमाग होगा क्योंकि वो एग्जाम देके, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी, उससे इलेक्ट होके आया है, ठीक। बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो तो कोई भी बन सकता है, मैं कोई बिल्कुल ही पढ़ा लिखा इंसान नहीं, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ जीत गया, तो वो भी तो एग्जीक्यूटिव बन गया। तो यार देखो, ये पढ़ा लिखा है बट फिर भी ये इसके नीचे काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, होता क्या है कि मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री में कुछ, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है, ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ पॉलिसीज बन रहे होंगे कि हम कैसे कोरोना वायरस को रोकें, ठीक। अब इसके ऊपर जितने भी सजेशंस होते हैं ना, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही देगा, मतलब आईएएस आईपीएस ही देगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या करना अभी ज़रूरी है। बट जो इलेक्ट होके आया है मिनिस्टर, उसको कुछ नहीं पता हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में, बट फिर भी वो हेल्थ मिनिस्ट्री का मालिक है, ठीक है। तो वो अगर कोई डिसीजन लेगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो गलत हो जाएंगे, जो पढ़ा लिखा इंसान है जिसको समझ है वो डिसीजन लेगा तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो दोनों साथ मिलके काम करते हैं। पॉलिटिकल, अब तुम खुद सोचोगे कि सर परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही तो ज्यादा सही है, सब कुछ लॉज भी वही बना रहा है, पढ़ा लिखा भी वही है, तो ये इसके अंडर क्यों काम कर रहा है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नीचे क्यों नहीं है, परमानेंट क्यों नीचे है? तो यार देखो, होता ऐसा है कि अगर कोई कोई गलती हो जाए, ठीक है, कुछ गलत चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाए, मान लो अभी अचानक से कोरोना वायरस फैल जाए, ठीक है, बहुत सारे लोगों को हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में तुम किसको ब्लेम करोगे? तुम उस मिनिस्टर को ब्लेम करोगे, ना कि उस आईएएस ऑफिसर को ब्लेम करोगे, ठीक है। तो जिसके पास अथॉरिटी होती है, हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, हर्षवर्धन बीजेपी के हैं, ठीक है। तो अगर अभी कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है, तो तुम गाली किसको दोगे या तुम किसको ब्लेम करोगे? तुम परमानेंट एग्जीक्यूटिव को ब्लेम नहीं करोगे, तुम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ही ब्लेम करोगे, तुम सरकार को ब्लेम करोगे, ठीक। तो इसीलिए सरकार ऊपर रहती है, क्योंकि जो भी क्रिटिसिज्म होता है वो उस मिनिस्टर को ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मिनिस्टर ऊपर होता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव नीचे होते हैं, बट ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये कम पढ़े लिखे होते हैं। ये है डिफरेंस दोनों के बीच में, पढ़ लेना। अब अगला प्रेसिडेंट, ठीक है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है उसका हेड होता है प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी लॉ पास नहीं होता। तो प्रेसिडेंट के पावर क्या क्या है? वो अपॉइंटमेंट्स करता है बहुत सारे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, वो दूसरे कंट्री के अम्बेसडर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही किया करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ पर्टिकुलर कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अब मैं एसएसटी यूपीएससी के लिए पढ़ूंगा, अरे बहुत सही, ठीक है। तो अगर कोई भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं तो वो, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो तुम प्रेसिडेंट ही टिक करके आना एग्जाम में, क्योंकि 95% केस में तुम्हारा आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब देखते हैं हम मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मान लो लोकसभा में तुमने 543 मेंबर्स को इलेक्ट किया है, जिसमें से 290 बीजेपी के हैं, तो इसका मतलब है बीजेपी की सरकार बन गई, क्योंकि वो 272 से ज़्यादा है। हाँ ठीक है, ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। तो 543 में 272 सीट जिसके होती हैं उसकी सरकार बनती है, यहाँ बीजेपी के 290 सीट्स आ गए, ठीक है। अब ये सारे लोकसभा में जाके बैठेंगे,
ऐसा नहीं है कि 543 माइनस 290 जितने भी लोग बचे हैं, मतलब 253, ये लोग कोई और है, ठीक है? ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हो सकता है बीजेपी के नहीं हो, बट ये भी पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, ठीक है? हाँ यार, पता है एग्जाम तो कैंसिल हो गया सबका। तो लोकसभा में और राज्य, सॉरी, लोकसभा में जीते हुए लोग भी बैठते हैं, मतलब जीते हुए पार्टी के, और जिस जो पार्टी नहीं जीत पाई है लेकिन उसके कैंडिडेट जीत गए हैं वो भी लोकसभा में बैठते हैं। अब इन 290 में से कुछ लोगों को बनाना होगा मिनिस्टर, ठीक है? इसमें से कुछ लोगों को बनाना होगा मिनिस्टर। तो अब कैसे बनते हैं मिनिस्टर? तो मिनिस्टर बनने का तीन क्राइटेरिया होता है। हाँ, NTSC स्टेज 2 के लिए लाइव पढ़ाऊंगा, फिर दोस्ती बेगम, अमित शाह जी, हेलो प्रत्युष, अमित शाह जी 2004 में होते तो हम अटल जी को नहीं खोते। तो देखो, तीन टाइप के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, ठीक है? और शाम में 9 बजे है NTSC की क्लास, देखना। नेक्स्ट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो देखो, 290 लोगों में से हर इंसान मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है? क्योंकि मिनिस्ट्री हमारे पास 75 to 80 तक लिमिटेड है, इतने ही मिनिस्ट्री इंडिया में है, तो सबको मिनिस्टर हम कैसे बना सकते हैं? एक मिनिस्ट्री का तो एक ही हेड होगा, तो 75 से 80 हेड हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर, सॉरी, 75 से 80 मिनिस्टर्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से, ठीक है? अब उत्सव, सर उत्सव रात में, तो आज NTSC की क्लास है। सर विल यू फिनिश द चैप्टर 6 to 8? 8 क्लास के चैप्टर फिनिश करूंगा आर्यन, 6 7 नहीं करूंगा मैं, ठीक है? हाँ यार, तो मैं क्या बोल रहा था, मिनिस्टर्स तीन टाइप के होते हैं, 75 to 80 के नंबर्स होते हैं। अब मिनिस्टर्स कौन किस पोस्ट का मिनिस्टर बनेगा ये डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो जो टॉप की मिनिस्ट्री है इंडिया की, जैसे रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे जो मिनिस्टर हैं ये टॉप के मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, ठीक है? तो इसमें लगभग 20 मिनिस्ट्री ऐसी होती है जो पूरे इंडिया में रूल बनाने के लिए काम करती है, और बहुत बड़े स्केल पे रूल्स उसमें बनते हैं। तो वैसे मिनिस्टर्स को हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है? मतलब रेलवे मिनिस्टर का जो हेड होगा वो भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर का जो हेड होगा वो भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक? डिफेंस मिनिस्टर का जो हेड होगा वो भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर का जो हेड होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो ऐसे 20 मिनिस्ट्रीज हैं हमारे पास जो कैबिनेट में आते हैं, और उनके मिनिस्टर्स को हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है? SST का सिलेबस लिमिटेड कहाँ है बच्चे? अभी तुम देखो, NTSC के लिए पढ़ना है ना तुम्हें, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है? ये तुम्हारे NCERT बुक का है। इसका क्या मतलब है? तो अब कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कैबिनेट से नीचे आती है, ठीक है? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिसोर्स, ठीक है, या एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इन सब सॉरी कैबिनेट नहीं, इन सब मिनिस्ट्री का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है? इनके नंबर है हमारे पास 40 to 45। और लास्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए होते हैं। जनरली जो डिसीजंस बड़े बड़े होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग बुलाता है और उस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इन मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए थर्ड टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या फिर तुम इसे डिप्टी मिनिस्टर भी बोल सकते हो, ठीक है? तो अगर कोई भी डिसीजन, ठीक है, मैं एक बार पीजे सर से बात करूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है? हाँ नहीं, टॉकिंग टेक्स्ट बुक पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो अनअकैडमी पे पढ़ाऊंगा बच्चे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सब लोग मिल के एक डिसीजन लिए हैं, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस डिसीजन का सम्मान करे। अगर मान लो कैबिनेट मिनिस्टर में 20 मिनिस्टर हैं,
किसी ने कोई डिसीजन, सबने मिलके कोई डिसीजन लिया, बट दो लोग इसके अगेंस्ट थे, फिर भी ये दो लोग इस डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इंप्लीमेंट होने के बाद, क्योंकि दे वर्क एज अ टीम। ठीक है, तो अब मिनिस्ट्री समझ में आ गई। हर मिनिस्टर का एक सेक्रेटरी होता है जिसे हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं, ठीक है, और वो उसका एक सेक्रेटरी होता है, जैसा कि हमने एससीबीसी कमेटी में देखा था। प्राइम मिनिस्टर के पावर क्या क्या होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, जितने भी 543 मेंबर्स को हमने इलेक्ट किया है उनका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। वो कैबिनेट मीटिंग को हेड करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में कोई डिसएग्रीमेंट हुआ तो उसके ऊपर फाइनल डिसीजन वही लेता है, डिफरेंट मिनिस्ट्री को, हर मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है उसके ऊपर वो सुपरविजन रखता है, और जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो उसके लीडरशिप के अंदर काम करते हैं। ठीक है सर, क्योंकि मैं यूपी में रहता हूँ। हाँ, तो आर्यन यूपी के एनटीएससी का मैं बताऊंगा ना तुम्हें तरीका, टेंशन क्यों ले रहा है तू? 6 to 8 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका मेरे पास दूसरा तरीका है। डिड यू अपीयर फॉर यूपीएससी? नो यार, यस वंस आई अपीयर फॉर यूपीएससी इन 2018, बट मैंने ऐसे ही दिया था, उस टाइम मैं ग्रेजुएट भी नहीं था। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क टू द मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना भी प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। वो मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है, ठीक, अगर उसको कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर का काम पसंद नहीं आ रहा तो उसको हटा भी सकता है, और अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो उसकी पूरी मिनिस्ट्री भी उसके साथ में क्विट करती है। ठीक है, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया तो जितने भी मिनिस्टर हैं सबको रिजाइन देना पड़ जाएगा। हाँ, ही ऑल्सो एडवाइस प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन यूपीएससी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, हमने देखा था सारा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं बट अपनी मर्जी से नहीं करते, वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के सजेशंस लेके ही अपॉइंटमेंट किया करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पावर्स थे प्राइम मिनिस्टर के। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब पता ही है आपको क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब अगर कोई सिंगल पार्टी 272 सीट नहीं अटेन कर पाई तो एक दूसरी पार्टी के साथ, एक या एक से ज़्यादा पार्टी के साथ वो अलायंस बना लेती है। मान लो बीजेपी के हैं 240 सीट्स, किसी के हैं 30, किसी वाई के हैं 40, कांग्रेस के हैं 160, तो यार किसी के 272 तो आ नहीं रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगी? बीजेपी वाई को जाके बोलेगी कि हम दोनों मिल के सरकार बनाते हैं, और इनके सीट हो गए अब 280, तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। तो बीजेपी के साथ जिन पार्टी का अलायंस होता है तो उसे हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और कांग्रेस के साथ जिन पार्टी का अलायंस होता है उसे हम बोलते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो अगर मान लो कोलिशन गवर्नमेंट आ गया तो क्या अब प्राइम मिनिस्टर सारे डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकता है? उसे इस 40 लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी। ठीक, हाँ, एसएससी में 9th 10th का एसएससी आता है। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट आने के बाद सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं रहते, वो पावर्स हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट। किसके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? आप देख ही रहे हो, वाई पार्टी के अलॉन्ग। अब मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है, नोटबंदी की थी 2016 में, तो यार वो नोटबंदी उन्होंने बहुत आराम से कर दी क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं गवर्नमेंट, वो अकेले, मतलब अकेले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसे पता था कि अगर डिसीजन गलत भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की होती बीजेपी ने किसी दूसरे पार्टी के साथ, तो अगर डिमोनेटाइजेशन करना होता तो प्राइम मिनिस्टर को उसे दूसरे पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती, ठीक, क्योंकि दोनों मिल के साथ में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कोलिशन गवर्नमेंट आने के बाद कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के पावर को थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, थोड़ी कम हो गई है पावर। इलेक्शन प्रोसीड्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? तो यार देखो, हम जितने एमपी चुनते हैं सेंटर सेंट्रल इलेक्शंस में और जितने एमएलए चुनते हैं स्टेट इलेक्शंस में, ये दोनों मिलके, और इसके अलावा, हाँ ठीक तो है, एमपी और एमएलए, इन दोनों लोग, मतलब जितने भी लोग हो गए 543 प्लस 250, ये सारे लोग मिलके, सॉरी 543 प्लस 250 और प्लस स्टेट में जितने भी सीट्स होंगे, हर स्टेट के अलग अलग सीट होते हैं, तो ये सब मिलके और इलेक्शन करते हैं और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो होता है बाई द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है,
इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वायरल वीडियो, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कैसे काम करता है. हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है जिसने वोट दे दिया उसने वोट दे दिया, जिसके ज़्यादा वोट वो जीत गया, ऐसा नहीं होता. ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके लिए अलग से. ठीक है, तो ऐसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं. प्रेसिडेंट के पावर आपने देख ही लिए ऑलरेडी. लिमिटेशंस क्या हैं? प्रेसिडेंट के पावर लिमिटेड हैं. ठीक है, वो अपनी मर्जी से हर काम नहीं कर सकता, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन करके ही काम करना पड़ता है. अगर एक बिल पास होता है, हमें पता है कि प्रेसिडेंट के साइन के बिना बिल पास नहीं होता, लॉ नहीं बनता, बट अगर लोकसभा राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है, तो ये उसका एक लिमिटेशन हो गया. ठीक है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द कंट्री, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द कंट्री. ठीक है, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर की, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम ही इलेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, सबको हमने ही इलेक्ट किया है. बट यार बनाना सही है नहीं है ये मैं कैसे बताऊं? ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके मेंबर्स को हम ही इलेक्ट करते हैं, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है अपनी मिनिस्टर्स को. ठीक है, तो उस वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें इलेक्टेड मेंबर्स हों या इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हों. तो चलो यार, शुरू शुरू मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है. ठीक है, आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट हम एक लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे. जुडिशियरी हमारा एक थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, और प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इमरजेंसी पावर ऑफ एडवाइस, हाँ इमरजेंसी भी वो मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही इम्प्लीमेंट कर सकता है. ठीक है, रेजोनेंस. धन्यवाद सबको. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो अभी, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो. ठीक है, कमेंट करो यूट्यूब पे, बाद में अगर करने की मर्जी हो जेई चैनल और एनटीएससी फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करो अनएकेडमी के. टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करो @संस्कार1996 पे, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो. और ये प्रोमो कोड है KSSIRLIFE, इसको एंटर करके अवेल करो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑफ NTSC. ठीक है, तो आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर होगा आज तक, आज मैंने जितना पढ़ाया है. बाकी कोई डाउट हो तो हम डाउट क्लास भी अरेंज करेंगे, उसमें पूछ लेना. और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.